सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप सभी के पास फोन तो होगा ही, फोन के अंदर दोस्तों चार्जिंग केबल और हेडफोन या फिर ईयरफोन भी आपके साथ होगा। तो दोस्तों आपने अक्सर एक प्रॉब्लम नोटिस किया होगा, आप सभी के साथ होता होगा, जो भाई चार्जिंग केबल होता है ऊपर, यहाँ से भाई टूट जाता है, यहाँ से भाई निकल जाता है ये प्लास्टिक। तो भाई इसको कैसे फिक्स करें। तो हाल ही में दोस्तों मैंने भी एप्पल का फोन है और अपनी किडनी बेच कर लिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो भाई उसका केबल तो आप सभी को मालूम ही होगा कि भाई 3000 का केबल आता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अमेजोन से गिज़गा केबल प्रोटेक्टर को ऑर्डर किया है। दोस्तों 80 से 90 के अंदर अभी आपको सेल के अंदर ये मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है। इसके साथ आपको 10 पीस मिल जाएंगे, यानी कि 5 केबल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। तो भाई कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 3 केबल है, एक है रियलमी का, एक है एमआई का और एक है एप्पल का। तो सभी के साथ भाई वर्क करता है और आपके पास हेडफोन या फिर ईयरफोन है तो उसके साथ भी बड़ी आसानी से ये चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो एमआई का केबल है वो काफ़ी भाई पुराना हो चुका है, तो भाई उसका केबल यहाँ से टूट गया है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोनों ही साइड से भाई टूट गया है। तो इसके लिए हम इसको ओपन करेंगे भाई। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टी कलर, और आपको कोई कलर अच्छा लगता है तो सेम कलर के भी ऑर्डर कर सकते हैं। भाई मैं मल्टी कलर प्रेफर करूँगा क्योंकि इससे आसानी होगी आपको, अगर दूर केबल पड़ा है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कौन सा केबल कौन सा वाला है। तो भाई यहाँ से हम सबसे पहले जो एमआई वाला केबल है उसको यहाँ पर लगा कर चेक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो ये वाला भाग है उसको आपने यहाँ पर ओपन करना है। यूँ ओपन करना है, ये दोस्तों प्लास्टिक एंड रबर का कुछ मिक्सर है, तो बड़ा ही अच्छा वाला आपको यहाँ पर केबल प्रोटेक्टर मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना है और यहाँ से भाई ऊपर से ही आपको इसको लगा देना है, नीचे से नहीं लगाना, ऊपर को लगाना है आपने। और इसको आपने रोटेट करना है इस तरीके से। अभी दोस्तों लग जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको 2-3 बार इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है, तो भाई अच्छी तरह से ये लग जाएगा। आपने देखा भाई 10 से 20 सेकंड के अंदर ही इसको आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है एप्पल का केबल, तो एप्पल का केबल है उसको भी आप सेम तरीके से लगा सकते हैं। एप्पल का जो केबल होता है थोड़ा सा पतला होता है तो उसके साथ भी ये चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये वाला भाग आपको नहीं लेना, यहाँ पर जो बड़ा वाला भाग है उसको ही आपने लगाना है क्योंकि उससे अच्छा ग्रिप यहाँ पर आपको मिलेगा। तो लग जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको रोटेट करके इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बड़ी अच्छी तरह से ये अभी जो है प्रोटेक्ट हो चुका है। यहाँ से ये ज़्यादा नहीं मुड़ेगा तो आपका केबल है वो यहाँ से नहीं टूटेगा। ये दोस्तों पूरा केबल के लिए भी आता है, पर मैं उसको प्रीफर नहीं करूँगा क्योंकि उससे आपका जो केबल है वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये केबल प्रोटेक्टर मिल जाता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा ईयरफोन है या फिर आपके पास हेडफोन का कोई वायर है तो उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि उसके साथ भी ये चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ईयरफोन के साथ भी ये चल जाएगा और आपका केबल वो यहाँ से भाई नहीं टूटेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको केबल प्रोटेक्टर मिल जाता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप Amazon या फिर Flipkart पे जाके खुद ही सर्च कर सकते हैं या फिर Google पे भी सर्च कर सकते हैं। कोई दूसरे कंपनी का केबल प्रोटेक्टर लेना चाहे तो उसको भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।